हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम श्रिंकेज और एट्रिशन निकालना सीखेंगे। श्रिंकेज और एट्रिशन ये दोनों वर्ड्स ज्यादातर बीपीओ सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। श्रिंकेज का मतलब होता है एब्सेंटिज्म, यानी कि उस दिन कितने लोग एब्सेंट हैं, और एट्रिशन का मतलब होता है रिजाइन, यानी कि उस मंथ में, उस महीने में कितने लोगों ने रिजाइन किया है। फ्रेंड्स, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं विजय कॉम्पएजुकेशन। आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहले से श्रिंकेज के लिए एक टेबल बना कर रखा हो ताकि आपका ज्यादा वक्त समय बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे सबसे पहला जो होता है टोटल नंबर ऑफ एजेंट रोस्टर, यानी कि उस दिन कितने लोग, कितने एजेंट रोस्टर है। उसके बाद उस दिन के लिए प्लान लीव कितने हैं, अनप्लान लीव कितने हैं, इस सारी चीजें हम फॉर्मूला बैठा के देखेंगे और उसके बाद इसका टोटल निकालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एजेंट रोस्टर हमारा है 30 फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आता है हमारा प्लांट लीव। प्लांट लीव जो है हमारा 2 हो या फिर हम 3 दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 2। उसके बाद है हमारा अनप्लान लीव, यहाँ पे हम दे देते हैं 5, जो है हमारा अनप्लान लीव में आता है। अब जो फॉर्मूला है श्रिंकेज निकालने का वो मैंने यहाँ पे नोटेड कर दिया है, प्लांट लीव या फिर अनप्लान लीव बाई टोटल नंबर ऑफ एजेंट इंटू 100। आप 100 भी कर सकते हैं इंटू, या फिर आप डायरेक्ट उसको परसेंटेज में चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये यूज करता है। तो हम पहले निकालेंगे प्लांट श्रिंकेज। प्लांट श्रिंकेज में क्या है, हमारा प्लांट लीव कितना है, प्लांट लीव है 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया सेल को, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एजेंट। तो टोटल ऑफ एजेंट हमारा कितना है 30। हमने यहाँ पे इंटर किया तो ये हमारा 7% आ चुका है। ये हमारा 7% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज का इस्तेमाल करके रखा हुआ है। अगर हम इसको इंटू 100 करेंगे तो हमारा वो पॉइंट में आएगा। अब उसके बाद दूसरा है हमारा अनप्लांट श्रिंकेज। अनप्लांट श्रिंकेज भी सेम करेंगे, अनप्लांट का है हमारा लीव पहले इक्वल टू, देन अनप्लांट लीव इज 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एजेंट रोस्टर इक्वल टू, तो ये हमारा आ गया 17% अनप्लांट श्रिंकेज, और प्लांट श्रिंकेज कितना है हमारा 7%। अब इसके साथ अगर हम टोटल निकालेंगे इक्वल टू प्लांट श्रिंकेज प्लस अनप्लांट श्रिंकेज इक्वल टू, तो हमारा टोटल श्रिंकेज है उस दिन का 23%। ओके, उसके बाद हम आते हैं एट्रिशन में, यानी कि रिजाइन में। रिजाइन का जो होता है इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहला होता है कि उस मंथ में, उस महीने में कितने एजेंट ने रिजाइन किया है, उसके बाद उस मंथ में कितने लोगों ने स्टार्ट किया था जॉब, और कुछ है जो भी एडवाइजर ज्वाइन होते हैं वो कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने एडवाइजर ने ज्वाइन किया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो है स्टार्टिंग प्लस ज्वाइन, यानी उस मंथ में कितने लोगों ने स्टार्ट किया था प्लस कितने लोगों ने उसे ज्वाइन किया, और इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद, ऐड करने के बाद उसमें से कितने लोगों ने रिजाइन किया है हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा हमारा एंड, उस महीने में कितने लोग रहे, कितने एडवाइजर रहे हमारे। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया है नंबर ऑफ एजेंट्स रिजाइन ड्यूरिंग द मंथ, कितने एजेंट ने उस मंथ में रिजाइन किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एजेंट्स एट स्टार्टिंग, मंथ के स्टार्ट में कितने एजेंट थे, उसके साथ साथ मंथ के एंड में कितने एजेंट बचे, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ एजेंट्स रिजाइन ऑफ द मंथ, फॉर एग्जाम्पल तौर पर इस महीने में रिजाइन हुए हमारे 10। ओके, स्टार्टिंग कितने लोगों ने किया था, कितने एजेंट ने किया था, मान लेते हम 50 लोगों ने स्टार्ट किया था उस मंथ से,
और ज्वाइन कितने किए थे, ज्वाइन किए थे 20। ठीक है, तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना होता है, उस मंथ के एंड में कितना बचे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारा स्टार्टिंग में कितने थे, इक्वल टू देखिए 50 प्लस ज्वाइन 20 माइनस रिजाइन कितने किए थे 10, तो इक्वल टू कितने हुए, यानी कि 60। यानी कि ये टोटल को मिला के हमारा जो एंड में एडवाइजर या फिर एजेंट बचे हैं वो है टोटल 60। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे एट्रिशन परसेंटेज हमारा कितना रहा। तो एट्रिशन परसेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आके इक्वल टू नंबर ऑफ एजेंट रिजाइन ड्यूरिंग द मंथ, कितने लोगों ने रिजाइन दिया, तो ये हमारा 10 डिवाइडेड बाय। ओके, अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे नंबर ऑफ एजेंट एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में कितने थे 50 प्लस नंबर ऑफ एजेंट यहाँ एंड ऑफ द मंथ, यानी एंड में कितने एजेंट बच गए, हमारा है वो 60। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे 2 और यहाँ पे इंटर करेंगे, तो हमारा टोटल कितना हो गया 18%। यानी कि 18% है ये हमारा उस मंथ का एट्रिशन है, कितने लोगों ने रिजाइन किया, कितने लोगों से स्टार्ट हुआ था और कितने लोग ज्वाइन हुए उस महीने के अंदर और एंड में कितने एजेंट बच गए। तो टोटल 18% का एट्रिशन है, यानी कि 18% लोगों ने रिजाइन किया है उस एक महीने में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर उसके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।